हैं और बाद में जो है उसको टेस्ट दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि हो सकता है इसके अलावा फिर न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, वो मतलब इवनिंग में ही होगा 9 PM के बाद। और क्या कहते हैं, अब बस हम लोगों ने इसकी ना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा बाकी हमारे साथ न्यू स्टूडेंट, तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ यही एक ही है ना, मोहम्मद सादिक। अगर इन्होंने कुछ पूछना है ठीक है, अगर इनको पता है तो, अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं इधर से ही, या अगर इनको नहीं पता इस चीज से रिलेटेड, ये कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, जैसे मैम ने कहा कि हम अपने ये 6 PM वाला सेशन शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हम जो शिफ्ट कर रहे हैं इसकी मॉर्निंग टाइमिंग होगी 11 to 1 o'clock। ठीक है, 2 hours का हम वो सेशन करें, क्योंकि अब अगर हम इस 1 hour में करते तो हमारा कोई भी एक टास्क कंप्लीट नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और कुछ ना कुछ एक ना एक दिन हम ऐसे इतना कर लें कि हम तीनों मॉड्यूल्स को कम्प्लीट कर सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अब टाइम ज़्यादा लगाना होगा, तो टाइम वही है हमारे पास बेस्ट, क्योंकि उस टाइम में कोई और क्लास नहीं होती है, तो हम इजली 11 to 1 o'clock। तो मदीन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस टाइम में तो बता दें, और मोहम्मद सादिक कोई नहीं अभी प्रॉब्लम फाइनली मुझे हुआ, तो। जो आप लोग को इजी लगे, जो आर्स आप लोग के अवेलेबल हो हमें वो बताइएगा। मैं अवेलेबल हूँ 11 to 1 PM। ठीक है, ये तो अच्छा हमारे हो साथ गया। एक और भी था जर्मीना, जो रेगुलर था, उसका क्या जी, नाम था? वो आज मेरी शिफ्ट में आई थी। जुल्फिकार अली। हाँ, वो उनसे भी पूछ लेना चाहिए ना, उनके लिए सूटेबल टाइम है, क्योंकि फिर हम लोग ने जितनों ने प्रैक्टिस करनी है सबके लिए सूटेबल टाइम हो ना, ताकि उसी टाइम में हम मैम लोग हम सारे ही। ना बता देंगे, अनाउंस कर देंगे चैनल में, तो हाँ इंशाल्लाह वो मैं साथ होंगी। सही है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस में आएंगे तो बहुत जल्दी लर्निंग होगी आप लोगों की। तो उसका ये फायदा हो सकता है कि जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, कि हाँ हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और वो 9 PM वाला स्टार्ट से इंट्रोडक्शन से जो है वो सेशन भी ले सकते हैं। मैम वो तो इन पर है ना, जब चाहेंगे ले लें। ठीक है, हाँ जी, मतलब मैं ये कहती नहीं, ये हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हम जो प्रैक्टिस टाइम रख रहे हैं तो उसमें ये ना आए। मैं चाहती हूँ कि ये सारे हर टाइम में आ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ऐसी है ना मैम? हाँ ये भी अच्छा है कि दोनों सेशन ले लेना, जिसमें आप प्रैक्टिस भी कर लें तो वो भी अच्छी जी, बात है। जो चीजें आपको नहीं पता होंगी हम लोग क्योंकि डिस्कस कर रहे मोस्टली होंगे, मिस्टेक्स हमने निकल देखे रहे। जो न्यू आते हैं ना मैम, वो कहते हैं कि हम प्रैक्टिस करें या ना करें, या हम स्टार्ट से लें, तो इस तरह की मैं कहती हूँ हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप लोग जब भी जिस क्लास में आते हैं, कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग जरूर होती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना लर्न कर लेते हैं और कितने टाइम में करते हैं। ओके मैम, फिर आज का हम स्टार्ट करते हैं। गिव मी 1 मिनट। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? हाँ जी जी विजिबल है। ओके, जो आज हमने करना है वो रीडिंग पैसेज 1 है विकी, और विकी एक मतलब कि एक डिजीज है। ठीक है, हमने उसके बारे में पढ़ना है, तो इसके हमारे फर्स्ट सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 13 होते हैं। इस पैराग्राफ से रिलेवेंट जो हमारे टोटल क्वेश्चन होंगे वो 13 होंगे। ठीक है, 1 to 3 जो होंगे वो क्वेश्चन ऐसे कि हमें उसमें कोई सिर्फ A to H हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, A to H, और उसमें से हमने 3 स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, चूज करना है। राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 1, 1 to 3 इन योर आंसर शीट। ठीक है, आप अपने साथ पेपर ले लें जिसके ऊपर आप लिख सकें अपने आंसर्स को। और दिस 3 of the following स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ रिकी, के रिकी के अकॉर्डिंगली जो हम पैराग्राफ या पैसेज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली कौन सी 3 स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू होंगी। ठीक है, A to H ये आपके सामने सारी स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हम पहले स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स फॉर सेल्फ हीलिंग डिफर टू दोज यूज ऑन अदर्स।
बी अट्यूनमेंट इज सेट टू हैव अ परमानेंट इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट सी इट्स प्रिवेंटेटिव प्रॉपर्टीज आर मोर सिग्निफिकेंट देन क्योर डी देयर आर डिफरेंसेस इन ओपिनियन रिगार्डिंग इट्स यूज विद अदर थेरेपीज ई द ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स कॉन्टेक्ट बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द पेशेंट एफ द रेसिपिएंट्स ओन एनर्जी इज द की टू द फिलोसफी जी some therapists believe a pessimistic approach affects results it is only practiced on human subject okay ab hum iska paragraph hi tab dekhte hain ki hame paragraph mein kis kis cheez ke bare mein discuss kiya hua hai used to be used by its followers today with the intention of treating physical emotional and miss man haan ji ye na idhar is question ki thodi si technique जो मैंने आज ही सीखी है वो इधर आ गया ये देखें ये तीन क्वेश्चन है और ये मुमकिन नहीं है कि ये पहले पैराग्राफ में हो तो इसका बेहतर हाल ये है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इधर अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि ये तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते सारे पैराग्राफ में से गुजरना पड़ेगा जी। सारे तो यानी कि इसको ये तो टेक्निक है कि चले सारा ना पढ़े तो फिर ये क्या टेक्निक है कि आंसर कैसे मिलेगा कि एक्यूरेट आंसर ये हम तीन क्वेश्चन को स्किप करेंगे और चौथे को देखेंगे इस मोमेंट पे इसको बाद में सॉल्व करने की तरफ जाएंगे नहीं तो सॉल्व करने की क्या टेक्निक है मैं वो पूछ रही हूँ मैं यही कह रहा हूँ मैम देख ये टेक्निक है कि ये तीन क्वेश्चन है और ये यानी कि हमें नहीं पता ये सारे पैराग्राफ पढ़ के आएंगे या पहले दो में ये आ जाएंगे अच्छा। अगर सारे पढ़ के आते हैं तो हम इन तीन क्वेश्चन पे ही फोकस रखेंगे ना अपना तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी साथ लेके चलते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन तो हमें मिल जाएगी हाँ ये उस पैराग्राफ में था अच्छा सही है क्या मैं सेटिस्फाई कर पाया हूँ कि मजीद बताऊं नहीं नहीं आपकी बात ठीक है आप ये कह रहे हैं क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हो सकता है पूरे पैसेज में से दी हुई हो क्योंकि तीन आंसर हमने करने हैं पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा और हमने जो आगे इन्फॉर्मेशन देनी है उसके लिए भी हम लोगों ने जाहिर सी बात है दोबारा सारा पैसेज पढ़ना है तो इस तरह से अगर हम अगले क्वेश्चन के लिए सारा पैसेज पढ़ लें तो हमें पहले वाला का भी आंसर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे है जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जो मैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास 4 to 9 होंगे ठीक है 7 पैराग्राफ्स हैं ए टू जी जो कि इस पैसेज में गिवन है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू कैन यूज ईच पैराग्राफ मोर देन वंस ठीक है वो कह रहे हैं कि आप भी ये देख रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेटमेंट में वो किस पैराग्राफ से मैच करती है और वो ये कह रहे हैं कि जो ईच पैराग्राफ है वो रिपीट भी हो सकता है आप ये मैं सोचिएगा कि ए इसमें आ रहा है तो फिर वो नेक्स्ट टाइम में ए नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता वो रिपीट कर सकते हैं ठीक है और हम देखते हैं फर्स्ट जो हमारे पास इसमें स्टेटमेंट गिवन है अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई रिकी मे हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि क्यों जो रिकी ने अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स बताए थे क्या वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में है कि रिकी के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं क्या वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से मैच करते हैं तो वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से बनते हैं या नहीं ठीक है द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ रिकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी इन जापान एंड कंटिन्यूज टू बी यूज्ड बाय इट्स फॉलोअर्स टुडे विद द इंटेंशन ऑफ ट्रीटिंग फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल इम्बैलेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंट इल हेल्थ The principles of Reiki involve techniques employed by practitioners. They say will channel healing energy through the subject's body and advocates hold that these techniques can also be used for self-healing. The name of the practice itself stems from two Japanese characters pronounced Ri, which translate to unseen or spiritual, and Ki, meaning life,
फोर्स और एनर्जी. सो ए पैसेज किसी से रेलिवेंट है या नहीं फर्स्ट वाले से? क्या ये रिकी रिकी जो पॉजिटिव इफेक्ट उसने बताए हैं क्या वो साइंटिफिक कंडीशन है या नहीं? आई थिंक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है. क्यों? क्योंकि ये देखिए ये वाली लाइन से मुझे लगता है कि मैम आप लोग बताएं आपको क्या लगता है. मुझे भी लग रहा है ये जो प्रिंसिपल होते हैं ना इससे रिलेटेड और वो टेक्निक्स बता रहा है. चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कोई इशू नहीं है. ओके बी अकॉर्डिंग टू रिकी फिलोसफी ओनली बाय अंडरगोइंग एन अट्यूनमेंट प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय अ रिकी मास्टर इज एन इंडिविजुअल एबल टू एक्सेस देन चैनल दिस पॉजिटिव एनर्जी विद इन दिस एबिलिटी वंस एस्टैब्लिश इज कंसिडर्ड to be enduring. Once attuned, it is said that an individual has the ability to allow energy to flow to weak or diseased areas of the body. So activating a natural healing process, Reiki energy is considered to be intelligent energy in that it automatically flows to such areas. For this reason, practitioners believe that diagnosis of a specific problem is unnecessary beforehand and that the practice can be used as preventative medicine and encourage healing prior to the onset of tangible symptoms. Since healing initiated by Reiki treatment is entirely natural, many practitioners are confident. Srimati. Miss, आपने अगले पैराग्राफ पे आ गई हैं. आपने सभी में देख लिया है कि ये जो पहले पैराग्राफ की यानी कि इंफॉर्मेशन पांचवें क्वेश्चन का भी आंसर नहीं बन रहा, छठे सातवें आठवें का भी. मुझे पांचवा लग रहा था कि ये ओवर ए में इंफॉर्मेशन जो है वो फिफ्थ में दी हुई है. नहीं ऐसा नहीं है. उन्होंने जस्ट उन्होंने ना इंट्रोडक्शन दी है कि ये 20th सेंचुरी में था. मुझे भी इतना ना वो क्लियर नहीं हो रहा था कि साइंटिफिकली कोई एक्सप्लेनेशन बनती नहीं थी. ठीक है मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी. उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया कि कब इंट्रोड्यूस हुई या कंटिन्यू हुई तो उसके बारे में हम बता दिया कि इसमें हम किस तरह से ट्रीट करते हैं. पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं बताए उसके. जी मिस मैं ये तो समझ रहा हूँ कि ये फोर्थ में नहीं है. ठीक है फिर है एन ओवरव्यू ऑफ द प्रैक्टिशनर्स ऑफ हाउ रिकी इज परफॉर्म्ड. तो ये भी नहीं बताया गया. मतलब कोई मेथड नहीं बताया गया कि अगर हम रिकी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं. जो जी ठीक है ठीक है ठीक है ना फर्स्ट वाले पैराग्राफ में ना बैकग्राउंड बताया गया रिकी के बारे में ना डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. बिल्कुल ऐसे मैम. ओके बी वंस अट्यून्ड इट इज सेड दैट एन इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी टू अलाउ एनर्जी टू फ्लो टू वीक और डिजीज एरियाज ऑफ द बॉडी. So activating a natural healing process, Reiki energy is considered to be intelligent energy in that it automatically flows to such areas. For this reason, practitioners believe that diagnosis of a specific problem is unnecessary beforehand and that the practice can be used as preventative medicine and encourage healing prior to the onset of tangible symptoms. Since healing initiated by Reiki treatment is entirely natural, many practitioners are confident that it can be used alongside any other type of treatment without adverse effect. However, others recommend that since the patient may undergo significant internal improvement for certain ailments, diabetes, for example, careful monitoring is required since such improvement may establish a need for an alteration in medication requirements. So, ये paragraph किससे match करता है? Idea हुआ आप लोगों को? इसके बेनिफिट्स का बात हुई थी यहाँ पर. या मैम आई थिंक ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे बात हुई थी बी पैराग्राफ में. साइंटिफिक
लाइक यहाँ पे जहाँ पे लिखा था कि लाइक रिकी ट्रीटमेंट इज इंटायरली नेचुरल, मैनी प्रैक्टिशनर्स आर कॉम्पिटेंट दैट इट कैन बी यूज अलॉन्ग साइड लाइक दैट या एग्जाम्पल तक. अच्छा एक बात ये बता दो कि ये जो पैराग्राफ जो पैसेज गिवन है ना ये है साइंस का ही है, ठीक है, मेडिकल है, तो ये आपको ना हर जगह पे डाउट होगा कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी हुई है. मेरे ख्याल से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वो होगी जहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी डेवलप होती है, लाइक जैसे हर कोई जो भी उसके प्रैक्टिशनर्स हैं उसके ऊपर एग्री करते हो उसको, यानी कि कहते हैं ना पूरे पैसेज के बारे में जो उन्होंने एंड में जो रिजल्ट दिया होता है वो उसमें ख्याल से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उससे रिलेवेंट करती है. मेरे ख्याल से ये मैम ये देखिए बेनिफिट्स में नहीं आ सकता है क्योंकि ये देखिए ये बात जो है रिकी एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट एनर्जी दैट इन दैट इट ऑटोमेटिकली फ्लोस टू सच एरियाज फॉर दिस रीजन प्रैक्टिशनर्स बिलीव दैट डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज अननेसेसरी बिफोर हैंड एंड दैट द प्रैक्टिस कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटेटिव मेडिसिन एंड इनकरेज हीलिंग प्रियर टू द ऑनसेट ऑफ टेंजिबल सिम्टम्स. मुझे ये वाली लाइंस ना इसके क्योंकि बेनिफिट से लगता है कि उसमें ये था कि उसमें एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत जल्दी वो हील कर देते हैं. और देखिए उसमें हमने ये भी बात की थी ये हीलिंग प्रेयर, ठीक है, कि वो जल्दी से सबसे पहले जैसे उसे पता चलेगा ना कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ जल्दी से हील कर देगा. तो प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड टू एक्सपीरियंस रिकी बेनिफिट मेरे ख्याल से यही बनते हैं. री का ना मुझे प्रियोर से मैच करता है साथ है जी बेनिफिट्स की बात की हुई है इसमें. हाँ मुझे इसकी ना एनर्जी जो इंटेलिजेंट एनर्जी है ना ये बेनिफिट से मैच करती है और प्री रिक्विजिट जो था वो इस वर्ड से करता है इनकरेज हीलिंग प्रियोर टू द ऑनसेट ऑफ टेंजिबल सिम्टम्स कि सिम्टम्स आने जो भी सिम्टम्स होते हैं वहां पे वो सिर्फ फौरन से प्रियोर से स्टार्ट कर देता है हील करना या इनकरेज करता है हीलिंग प्रोसेस को. तो यहाँ बी लगा दी एग्री है. ठीक है फिर हम आगे पढ़ते हैं सी पैराग्राफ. अ होल बॉडी रिकी ट्रीटमेंट सेशन टिपिकली लास्ट बिटवीन टू 90 मिनट्स. द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू ले डाउन ऑफन ऑन अ ट्रीटमेंट टेबल क्लॉथ इन कंफर्टेबल एंड लूज fitting attire. Treatment may involve the practitioner placing their hand on the recipient in a variety of positions. However, some therapists take a non-touching approach, holding their hands a few centimeters away from the body. Hands are usually held in one position for up to 5 minutes before moving on to the next part of the body. Between 12 and 20 hand positions are generally used. Those who have undergone a Reiki treatment session often state that they experience a pleasant warmness in the area of focus and a feeling of contentment and relaxation throughout the session. ये पांच नंबर का होगा पांच से जी ये परफॉर्मेंस से ना मैच कर रहा है कि उन्होंने क्या किया था जी हर तरह को उन्होंने ना मेथड बता दिया है ये ट्रीटमेंट्स के बारे में ना तो मुझे भी यही लग रहा है जी बिल्कुल कैसे वो परफॉर्म किया जाता है वो सारा एक्सप्लेन किया सही है. मैम आप भी एग्री है ना मैम फातिमा है हमारे साथ. ओके नहीं वो शायद नेट प्रॉब्लम कर गया होगा जी. ओके अब मैं डी पढ़ती हूँ आप फिर इसी से देखिएगा मुझे लगता है नेक्स्ट किसी से डी मैच कर जाए. द हीलिंग एनर्जी इज सेड टू ओरिजिनेट इन द यूनिवर्स इटसेल्फ एंड इज नॉट द पासिंग ऑफ पर्सनल एनर्जी फ्रॉम प्रैक्टिशनर टू पेशेंट. इट इज देयरफॉर थॉट टू बी इनएग्जॉस्टिबल एंड द पर्सनल वेलबींग ऑफ द प्रैक्टिशनर अनकम्प्रोमाइज. While some masters and teachers hold that subjects must be receptive to the concept in order for energy to flow,
Others believe that the attitude of the patient is of no consequence and that benefits will follow regardless. For this reason, this following the latter school of thought say that since Reiki requires no conscious belief, it can also benefit the well-being of animals and plant life. When patient faith and expectation cause concern nahi iske bare mein ka the immediate effect that can be experienced by recipient. The safety of conducting therapy for practitioner. तीनों में से ना ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 8 और 9 में से कुछ एक हो सकता है. सेफ्टी की कहीं बात हुई? ये हो सकता है. पर्सनल वेलबीइंग ऑफ द प्रैक्टिशनर अनकंप्रोमाइज्ड. जी मुझे भी ये यानी कि सेफ्टी सेफ्टी से मैच होता है. सेफ्टी ऑफ कंडक्टिंग थेरेपी फॉर प्रैक्टिशनर्स. ठीक है, मतलब उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं करेंगे. ठीक है, और अपने तौर पर वो बहुत अच्छे से उसे परफॉर्म करेंगे जब भी ट्रीटमेंट करेंगे. तो इट मींस द सेफ्टी ऑफ कंडक्टिंग थेरेपी फॉर प्रैक्टिशनर. जी यही लगा दें. ओके, ये देखते हैं. कंट्रोवर्सी सराउंड्स द प्रैक्टिस ऑफ रिकी सम इन पोजीशन इन ऑपोजिशन एज दे से दैट रिकी मे ऑफर ओनली अ परसीव्ड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड देयरफॉर ओनली अ प्लेसिबो effect. Whilst the practice of Reiki itself is not necessarily considered potentially harmful, some medical practitioners are concerned that its benefits may be overestimated by patients and that as a result they may ignore or abandon conventional treatment. Others argue against the reliability of Reiki due to the lack of regulation of practitioners, holding that patients may be left vulnerable to illegitimate therapists who lack knowledge and skill. While Reiki is not connected to any particular religious doctrine, some religious leaders oppose the practice for spiritual reason. However, others hold that the immediate principles involved in treatment have enhanced their own ability to explore and embrace their own particular religion. ये 7th लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस फेथ है इस वाली लाइन से. जी मुझे यानी this practice of Reiki itself is not necessarily considered potentially harmful. Some medical practitioners are concerned that its benefit may be overestimated by patient. Overestimated se ho sakta hai. Baki sabhi agree is point se? Yeah, ma'am, I think kya ye. Limited scientific studies in the authenticity of Reiki have been conducted during research conducted by the Institute of Neurological Studies at South Glasgow University Hospital. It was observed that there was a significant decrease in heart rate and blood pressure among the subject receiving 30 minutes of Reiki treatment as opposed to a group receiving placebo treatment of 30 minutes rest. Since the test group consisted of a small number of subjects,
just 45. The research recommendation concluded a requirement for further studies. A similarly small preliminary study into the potential effects of Ricky on patients suffering mild dementia conducted in the USA tentatively suggested that treatment had a positive effect on the subject's memory abilities. However, research limitation included insufficient analysis of potential placebo effects. एफ किसी से करते हैं मैच, ये वाला रहता है और ये वाला रहता है. ये वैसे साइंटिफिक स्टडीज के रिलेटेड ज्यादा बातें आई हैं, बस यही मैं गेट कर पाया हूँ इसमें. शायद फोर हो, कंफर्म नहीं है मुझे. Condition indicated a seeming positive effect on decrease of fatigue, pain, and stress experienced by sufferers. The second project failed to reveal a link between treatment and improvement in the subject's condition and rehabilitation. Theories have been put forward that the benefits of energy treatment suggest Ricky may be scientifically attributed to the effect of electromagnetic fields. However, the majority researchers agree that more extensive investigation is required. Investigation ki baat hui hai. Ricky may be scientifically attributed to the effect of electromagnetic field. However, the majority researchers agree that more extensive investigation is required. ये मैंने कहा था जहाँ पे दूसरे जो साइंटिस्ट होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं वो एग्री करते हों तो एक साइंटिफिक ऐसी है ना. ये देखिए थ्योरी की भी बात हुई, मैंने आपको बताया साइंटिफिक थ्योरी तब बनेगी जब ज्यादा से ज्यादा जो रिसर्चर्स होते हैं वो उससे एग्री करते हुए हों. क्या कहेंगे जी? ठीक है, आवाज कट गई थी. आप कह रही थी आपने क्या कहा है कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा रिसर्चर एग्री करते हैं फिर वो थ्योरी. हाँ, जिस पॉइंट पे ना रिसर्चर्स या जो साइंटिस्ट होते हैं वो एग्री करते हैं ना, वही साइंटिफिकली थ्योरी बनती है या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है वो. तो मुझे, मैंने पहले भी यही बोला था ना कि जहाँ पे ज्यादा लोग एग्री करते हो उसकी बात पर, तो यहाँ बात हुई. एक तो इफेक्ट की भी बात हुई है, ठीक है, दूसरी थ्योरी की भी बात होगी जो साइंटिफिकली एट्रीब्यूटेड टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और फिर ये बात होगी मेजोरिटी रिसर्चर्स एग्री डेट मोर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट से भी वो मान गए थे रिसर्चर्स, और उन्होंने ये कहा था कि इसके और ज्यादा अगर हमने एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए हमें इसके बारे में. अब रह गया एट्थ हमारा. अब हमने क्या किया था, ये फोर है, फोर. हाँ, ये फोर बनते हैं. अब एट के लिए ना हमें स्टार से ही देखना चाहिए. अच्छा, फर्स्ट वाला तो नहीं बनता, इमीडिएट इफेक्ट एट कैन परसिस्ट, इफेक्ट्स तो नहीं थे यहाँ पर, ठीक है, इंट्रोडक्शन था. और फिर अगर हमने बी देखा था तो बी में तो हमने ये कहा था प्री रिक्विजिट. हाँ, इसके साथ में अगला क्वेश्चन भी साथ ही मिला लें. वो क्या है, वो भी एक दफा पढ़ लेते हैं. नाइन्थ के बाद जो है. ओके, क्वेश्चन. अच्छा, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन रीडिंग पैसेज वन, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिसर्च फाइंडिंग्स.
रिसर्च फाइंडिंग्स इनटू द बेनिफिट्स ऑफ रिकी एज रिलेटिंग टू, अच्छा ये हमें बता दी इन्होंने, इंफॉर्मेशन दे दी है, और फिर उनके राइट द करेक्ट लेटर्स ए बी सी एंड और डी इन द बॉक्सेस 10 to 13 योर आंसर शीट 10 to 13 करने हमने। अच्छा जहाँ न्यूरोलॉजिकल की बात हुई थी हम वो देख लें, उसे उसे देखेंगे तो हमें ये लाइन भी मिल जाएगी, ये बात हुई थी। ये इसमें एफ वाली हुई थी, ये रहा। द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टडीज, अब इसमें देख रहे हैं कि वो इन 4 पॉइंट्स में से किससे मैच करती है, ठीक है। लिमिटेड लिमिटेड साइंटिफिक स्टडीज इन इन द अथेंटिसिटी ऑफ रिकी हैव बीन कंडक्टेड ड्यूरिंग रिसर्च कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टडीज एट साउथ ग्लासगो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। इट वॉज ऑब्जर्व डेट देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन हार्ट रेट and blood pressure among this subjects receiving 30 minutes of Ricci treatment as opposed to a group receiving placebo treatment of 30 minutes rest. अच्छा ये देखिए ना, पहले उन्होंने कहा कि 30 minutes किसके दिए, Ricci treatment के दिए, और कुछ ऐसे थे group में members जिन्हें क्या दिया, placebo treatment दिया 30 minutes का, ठीक है। तो आई थिंक इन दोनों में ना कंपैरिजन हो रहे हैं, ये 12 से मैच करता होगा या नहीं, कंपैरिजन कैसे है मिस ग्रुप हु डिड नॉट रिसीव, नहीं 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 ये नहीं बनता सॉरी, क्योंकि वो कह रहे हैं वर कंपेयर टू द टू अ कंट्रोल ग्रुप हु डिडंट हु डिड नॉट रिसीव रिकी ट्रीटमेंट। रिकी ट्रीटमेंट तो रिसीव इन्होंने किया था, और कुछ ये वाले थे जिन्होंने प्लेसबो ट्रीटमेंट किया था, कंपैरिजन नहीं किया उन्होंने, बस वो बताया टाइमिंग बताई है। ये न्यूरोलॉजिकल स्टडीज कहीं और हमने पढ़ा था, एक ना इसमें भी हमने बात की थी मेंटल इम्बेलेंस, ये भी न्यूरोलॉजिकल स्टडी से मैच करती है बात। इसमें हम मैच करके देखें, जी जी देखते हैं ट्राई करें। द स्पेशल प्रैक्टिस ऑफ रिकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अर्ली 20th सेंचुरी जापान and continues to be used by its followers today with the intention of treating physical, emotional, mental imbalances and consequent ill health. The principles of Ricci involve technique employed by practitioners. They say will channel healing energy through the subject's body, and advocates hold that these techniques can also be used for self-healing. एम ये हेडिंग वाले हो गए सारे, मेरी ना लाइट चली गई थी मैम, उसका ना लास्ट में एक सेवंथ रह आई थी, तो मतीन ने कहा कि हमें नेक्स्ट पे मूव करना चाहिए। अच्छा चल ठीक है करें। मैम ये वाला ना मुझे कुछ वो लग रहा है, ये इसमें दो बातें होंगी ना, द प्रिंसिपल ऑफ रिकी इन्वॉल्व टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय प्रैक्टिशनर्स दे से विल चैनल हीलिंग एनर्जी थ्रू सब्जेक्ट बोलते की बात होगी, फिर एडवोकेट होल्ड दैट दिस टेक्निक कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सेल्फ हीलिंग। पहले चैनल हीलिंग हुई है और फिर सेल्फ हीलिंग हुई है, मैम मैं आती हूँ एक मिनट प्लीज। नहीं तो इसमें ये नहीं हो रहा कि वो
उसने ये पूछा है कि कौन सी बात किस बंदे ने की हुई है ऊपर क्वेश्चन में। या मैम आपने क्या कहा है? मैंने कहा ये नहीं कह रहा कि कौन से राइटर ने कौन सी बात की है, ये वो सर्च सर्च हाँ सर्च नहीं लिखनी किस चीज में किसकी सर्च हुई हुई है कि नहीं जी। इन दोनों बातों में कुछ ये वाले क्वेश्चन 10 to 13 मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। जी अब आवाज अब आ रही है गर्मीना आवाज। अच्छा सिग्नल का इशू होगा फिर मुझे ना। आवाज कट जाती है मैं। जी मेरे आवाज मैम बताएं आवाज नहीं आ रही अभी तक। नहीं स्क्रीन विजिबल है लेकिन आप आपकी ना आवाज कट रही है सिर्फ। अच्छा मदीन आप ऐसा करें कि जब तक ना आप बता दें जो बात आपने करनी है। अच्छा मिस मैंने ना आज मैं भी रीडिंग को लेके मेरी अच्छी नहीं है तो मैं इसका यही कोई टिप्स देखना चाह रहा था तो मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखी और एक एक आधे बंदे जिन्होंने कोई इसी तरह फेसबुक पे मैसेज करके पूछा जी कि मैं हेलो। हाँ जी हाँ जी मैं सुन रही हूँ। तो एक तो ये एक तो एक बंदे ने तो ये टिप बताई कि अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो आप 1 घंटे में नहीं टेस्ट अटेम्प्ट कर पा रहे तो बेशक आप डेली की 2 से 3 घंटे रीडिंग की हैबिट बनाएं। टेस्ट बेशक कोई एक पैराग्राफ अगर 40 मिनट्स में भी होता है
उसको करें, क्योंकि स्टार्ट में तो नहीं ये चीजें अचीव हो पाएंगी कि रीडिंग है, रीडिंग करने से ही आएगी। और ज्यादा कोशिश करें कैम्ब्रिज का ही मटेरियल लें, और आर्टिकल मसलन है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके रीडिंग करें। एक होती है आसान रीडिंग स्टोरी बेस्ड, कि मसलन इन्वायरमेंटल पे आर्टिकल पढ़ें, हाँ इन्वायरमेंट पे, लाइफस्टाइल पे, टेक्नोलॉजी पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे। जैसे ये अब ये रिकी वाला बिल्कुल एक हटके है, तो और जी, हाँ जी, इसी अच्छा ऐसे ही है ना, ये इशू है कि रीडिंग होती है ना, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। वो ना कोई ऐसा भी टॉपिक हो सकता है इससे रिलेटेड आपको बिल्कुल भी पता ना। अब आप ये देखें ना, रिकी जो है हमें पता भी नहीं है कि ये क्या है, बिल्कुल। तो इस तरह के ही टॉपिक आते हैं। तो आप आगे बताएं, आप क्या बता रहे हैं? और ये है कि यही जो आप पहले भी ये तो मेंशन कर चुकी हैं कि रीडिंग, यानी कि मैं इधर एक चीज पे फोकस करना चाहता हूँ कि ये अभी अगर हमसे रीडिंग 1 घंटे में नहीं हो पा रही तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हमें एक अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग के साथ पैराग्राफ पढ़ना है, और रीडिंग हैबिट डेली बनानी है, और हाँ जी, उसके हाँ जी, अगर उसके अभी जो नहीं मुश्किल हो पा रही मुश्किल तो कोई वर्ड है। इशू नहीं है। जी मैम, आप कुछ बोल रही थी। असल में मुझे लग रहा है सिग्नल का इशू है सबका, जिसकी वजह से ना सबकी आवाज ही नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी आ रही है आपकी। मैं ये बोल रही हूँ कि ये देखे ना, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। अगर हम वैसे ही बुक्स पढ़ते रहे, जर्नल बातें और आर्टिकल पढ़ते रहे, उनसे रीडिंग अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी, वर्ड्स पता चलेंगे। लेकिन जो काम ये करते हैं ना, ये चीजें नहीं पता चलती। ये तभी पता चलती है जब हम इन पे फोकस करें। अगर शुरू में आपको 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, और आपकी सेंस बन रही है, अगर आप एक पेपर सॉल्व करते हुए 3 घंटे भी लगा रहे हो और आपको चीज समझ में आ रही है, आपको सेंस बन रही है ना, उसके बाद होता है जब आप ये सारी चीजें फिर ठीक होना शुरू हो जाती है ना, फिर आपको चाहिए कि आप 1 घंटे में गिवन टाइम में उस टेस्ट को करने की प्रैक्टिस करें कि भाई आप मेरे से ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। शुरू में कोई मसला नहीं है, आपका जितना टाइम भी लग जाए वो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। यस मैम, और अभी अभी तो हम स्टार्ट में हैं, ये बात की जब हम रियल टाइम में पेपर यानी देने बैठेंगे। अगर उन्होंने ये भी एक अच्छी टिप बताई कि अभी हम हम वही पे करने लगे हैं ना, अभी हम वही करने लगे हैं। जी, वैसे मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि मसलन 40 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट होते हैं। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट 20 सेकंड से हम ऊपर नहीं दे सकते। अगर हम देते हैं तो दूसरे क्वेश्चन का हम टाइम उसको दे रहे हैं, तो हम यानी कि इस तरह एक भी एक माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो वैसे ये भी एक एक बात सुनी थी, वो भी शेयर करती। सही है, अभी हम लोग ये करके ना, ठीक है, 1 बाय 1 कर लिए। अब फिर हम इसको ना, जब मॉर्निंग में उसको करेंगे ना, टेस्ट करने बैठेंगे, तो फिर हम ऐसे ही करेंगे ना, पहले हम फोकस करेंगे कि हम रीडिंग ही से स्टार्ट लें, और हम देखेंगे भाई हम 2 घंटे में भी पूरा पेपर सॉल्व कर लें तो कोई मसला नहीं, हम 2 घंटे भी लगाएंगे। वो हमने टाइम रखना है इसलिए कि जिस चीज के ऊपर जितना टाइम लगे पहले हमने वो लगाना है, अपनी सारी चीजें ठीक करनी है। फिर जैसे मॉक टेस्ट नहीं होता कि आपको जितनी टाइमिंग वो एलिजिबल है कि आप एग्जामिनर में 1 1 घंटा देते हो और 40 मिनट लिसनिंग को देते हो, फिर हम उस हिसाब से करेंगे। मैम अब आप बोले, अब आपकी आवाज शायद आ जाए। जी मुझे आप उनकी बातें समझ आ गई थी। मैं ये ढूंढ रही थी कि जो हमारे पास ये ABCD गिवन है, मैं उन्हें हाँ आइडेंटिफाई कर रही थी। तो ए ये था, ठीक है। तो इसमें ना ये था, हॉस्पिटल इट हैज ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग अ सब्जेक्ट रिसीविंग 30 मिनट्स ऑफ रिकी ट्रीटमेंट एज अपोज्ड टू अ ग्रुप रिसीविंग प्लेसिबो ट्रीटमेंट ऑफ 30 मिनट्स रेस्ट। तो मैम ये ना दो ग्रुप्स बनाए थे, एक एक ग्रुप को 30 मिनट्स के लिए रिकी ट्रीटमेंट दिया और एक ग्रुप को 30 मिनट्स के लिए हमने प्लेसिबो टेस्ट दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट दिया।
तो मुझे ना ये इसका लगा, द रिजल्ट्स वर कंपेयर टू अ कंट्रोल ग्रुप हु डिडंट रिसीव रिकी ट्रीटमेंट। ठीक है, और फिर मैंने ना इसका देखा है कि उन्होंने कहा था कि यूएसए में जो हुई थी स्टडी, तो उसमें रिसर्च में क्या कहा गया था, रिसर्च कंडक्टेड इन यूएसए, तो इसका मुझे ना समझ नहीं आ रही, इसका लाइन बनती तो यहाँ से है। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। ओके, यहाँ से बनती है, सिमिलरली स्मॉल प्रीलिमिनरी स्टडी इनटू द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ रिकी ऑन पेशेंट्स सफरिंग माइल्ड डिमेंशिया कंडक्टेड इन द यूएसए टेंटेटिवली सजेस्टेड दैट ट्रीटमेंट हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट्स मेमोरी एबिलिटीज। However, research limitation included insufficient analysis of potential placebo effects. So, सर मीना मैं ये पूछ रही थी कि ये जो उन्होंने तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इसके अंदर ऑप्शन लगाने हैं ना? जी मैम, ये इसी के अंदर लगाने हैं, ऐसे ही है। ये पहले मुझे ए वाला जो था ना, वो ये वाला, ये इससे मैच कर रहा था, तो मैंने इससे इसका ए लगा दिया। अब इस यूएसए वाले की ना मुझे समझ नहीं आ रही मैम, इन दोनों से भी नहीं लिंक कर रहा, और जो लास्ट में 13 है, रिकलेक्शन एबिलिटी सीम टू बी एनहांस्ड, एनहांस्ड की बात हुई यहाँ पर। अच्छा ये देखिए, इनसफिशियंट लिमिटेशन, रिसर्च लिमिटेशन इंक्लूडेड इनसफिशियंट एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल प्लेसबो इफेक्ट्स। इनसफिशिएंट के लिए क्या हमें रिकलेक्शन एबिलिटी को इनहांस करना चाहिए? क्या कहते हैं, ये लाइन इससे मैच करती है? क्योंकि ऊपर वालों से तो मैम बिल्कुल भी नहीं कोई से बात हुई। कि जो यूएसए में रिसर्च कंडक्ट हुई थी उसमें ये कहा गया कि इसमें लिमिटेशंस हैं, कौन सी, इनसफिशिएंट एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल प्लेसबो इफेक्ट्स। मुझे ये समझ आया मैम, लगा दूं इसे? आई थिंक ये बी ही है। हाँ अच्छा, अब कैंसर रिसर्च और स्ट्रोक रिसर्च के बारे में है ये दोनों। अदर स्टडीज इससे आगे ही मैम, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें दोनों के बारे में बात हुई है, हमने ना इनमें डिफरेंस देख रहे हैं क्योंकि प्रॉपरली उन्होंने बताया नहीं है। अदर स्टडीज हैव आल्सो अटेम्प्टेड टू डिटरमाइन कोरिलेशन बिटवीन रिकी ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन कैंसर एंड स्ट्रोक पेशेंट्स। दिस इन्वेस्टिगेशन इनटू द फर्स्ट कंडीशन इंडिकेटेड अ सीमली पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डिग्रीज ऑफ फैटिग पेन एंड स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय सफरर्स। अच्छा ये फर्स्ट के बारे में था मैम, इट मीन्स ये कैंसर रिसर्च के बारे में है। ठीक है, और सेकंड प्रोजेक्ट जो है ना ये मैम उसके बारे में होगा, ये स्ट्रोक पेशेंट के बारे में। ये फर्स्ट वाले किससे मैच करते हैं, इंडिकेटेड अ सीमिंगली पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डिग्रीज ऑफ फैटिग पेन एंड स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय सफरर्स ग्रुप्स कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अपीयर टू इम्प्रूव। पॉजिटिव इफेक्ट हुए थे मैम जिनके ऊपर हमने कैंसर रिसर्च की ना, जो सफरर्स थे कैंसर सफरर्स, उन्हें उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स थी, ये कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अपीयर टू इम्प्रूव, मुझे भी यही लग रहा है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट। यस मैम, फिर आगे है द सेकंड प्रोजेक्ट जो कि स्ट्रोक पेशेंट्स का था। सेकंड प्रोजेक्ट फेल्ड टू रिवील अ लिंक बिटवीन ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन द सब्जेक्ट्स कंडीशन एंड रिहैबिलिटेशन, नो अपेरेंट लिंक। मैम ये लिंक वाला, हाँ ये स्ट्रोक से हो गया, नो अपेरेंट लिंक वर आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये वाला हो गया। 5 मिनट है हमारे पास। इमीडिएट इफेक्ट डेट कैन बी एक्सपीरियंस बाय रेसिपिएंट, इफेक्ट्स के बारे में ना हमने
ये देखना एफ वाला पैसेज, एफ वाला ई एफ नीचे जाओ। हाँ मैम इसमें इफेक्ट्स कहाँ पर हमने पढ़े? एफ एफ ये तो मैंने ई लग किया हुआ है, ई एफ है, पे ई है। जाओ, एफ पे। ओके एफ में मैम मैं इन एफ दोनों को बोल उन्होंने रही हूँ। वो किया हुआ है। ये देखना पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट, ये देखो इफेक्ट लास्ट लाइन, लास्ट हाँ सेकंड लाइन, यहाँ पे भी उसने इफेक्ट की बात, ये स्टडी इनटू द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ रिकी। मैम, ये सिर्फ सब्जेक्ट्स मेमोरी एबिलिटी पे कर रहे हैं, और इन क्या इमीडिएट इफेक्ट दैट कैन बी एक्सपीरियंस बाय रिसिपिएंट। ये नहीं बनता मैम। तो इसका वैसे पहले लगाया नहीं ऊपर कहीं पे, किसी का भी नहीं बनता, नहीं अभी तक तो मैम ऊपर भी नहीं तो बनता मुझे ना छोड़ मैम, ये दिया था ना हम ऊपर। लोगों ने। हाँ जी ये मुझे ऊपर से लग रहा है मैम, ए में तो ऐसे कोई बात नहीं हुई, और बी में हमने बात की थी बट वो एनर्जी के बारे में बात थी, मतलब एक्सपीरियंस या फिर एक्सपीरियंस बाय रेसिपिएंट्स इनके बारे में कोई बात नहीं थी इसमें ना। और जब यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ना कि किस किस तरह से करना है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कोई इफेक्ट हो। सी वाले पैराग्राफ में जी मैम ये देखिए, दोज हु हैव अंडरगोन अ रिकी ट्रीटमेंट सेशन ऑफन स्टेट दैट दे एक्सपीरियंस अ प्लीजेंट वार्मनेस इन द एरिया ऑफ फोकस एंड अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द सेशन। ये मैच करते हैं ना मैम इससे, हाँ अच्छा, कि उन्हें तो फिर फौरन अगर ये फौरन इससे मैच करता है तो हम नहीं, तो फिर हम उसका क्या करेंगे जो फिफ्थ वाले पे सी लगाया हुआ है। मैम उन्होंने कहा है कि आप ना चेंज रिपीट कर सकते हैं, यूज ईच पैराग्राफ मोर देन वंस, हाँ तो हम कर सकते फिर हैं। ठीक है, हाँ ठीक है फिर ठीक है, और फिर ओके, ठीक है, फिर अब चेक करो, फिर हमारा ऊपर या वाले भी कितने रखे रहते हैं कोई। तो जी, टू ये हेड्स है देखो ना, हमारे अब हम सारा पास। पढ़ चुके हैं। हाँ, और हम सारा पढ़ चुके हैं, मेन मेन पॉइंट बातें तो याद है ना जो मतलब पढ़ी थी हम लोगों ने। हाँ क्योंकि मैम ये देखिए अटूनमेंट के बारे में बात हुई थी, यहाँ सी पैराग्राफ में हुई होगी, तो ये सॉरी बी में है मैम, ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ तक बनते हैं। अटेनमेंट प्रोसेस परफॉर्म बाय रिकी मास्टर इज एन इंडिविजुअल एबल टू एक्सेस देन चैनल दिस पॉजिटिव एनर्जी विद इन दिस एबिलिटी वंस एस्टैब्लिश्ड इज कंसीडर्ड टू बी एंड्यूरिंग। वंस अटेन्ड इट इज सेड दैट एन इंडिविजुअल हैज द एबिलिटी टू अलाउ एनर्जी टू फ्लो टू वीक और डिजीज एरियाज ऑफ द बॉडी सो एक्टिवेटिंग अ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। सो मेरे ख्याल से ना परमानेंट इफेक्ट आ सकता है मैम, ये मैंने मुझे तो ये लग रहा है। हाँ अच्छा, अब टाइम भी नहीं है, ये देख लो 6:59 हो गया। डिफरेंस इन ओपिनियन रिगार्डिंग इट्स यूज विद द थेरेपीज। हाँ जी ये भी था कि उसमें डिफरेंस था, हमने मैम दो तरह की टेक्निक्स यूज की थी ना ट्रीटमेंट, एक रिकी था और एक दूसरे प्लेसबो ट्रीटमेंट था, तो जी दोनों दोनों की ओपिनियन डिफरेंट थी। हाँ जी, दो थी, दो थी। और ये नहीं था एनर्जी वाला, इज द की टू द फिलोसफी। नहीं मैम ये फिलोसफी वाली ना बात नहीं हुई, बस उन्होंने ये कहा था कि वो उसकी अपनी फिलोसफी थी बट इस अच्छा तरह की कोई बात नहीं, रेसिपिएंट्स ओन एनर्जी इज द अच्छा की भी बात नहीं हुई। सम थेरेपिस्ट बिलीव अ पेसिमिस्टिक अप्रोच अफेक्ट्स रिजल्ट, पेसिमिस्टिक मतलब होपलेस। और मैम ये इसके बारे में हमने बात की थी, आई थिंक ये था जहाँ थेरेपिस्ट थे, डिफरेंट थेरेपिस्ट आए थे।
जी, बट मुझे ना ये लगता है कि मैंने पढ़ा है। नहीं तो इसको लगा दो ना, चले सबमिट तो करें ना, बाद में आप वो बता दीजिए ना चैनल पे कि कितने करेक्ट आया, कितने रॉन्ग। ये वाली बात पढ़ी थी बट अब हमें टाइम की वजह से देख नहीं पा रहे। मैम हमने 13 तक किए ना। हाँ ऊपर वाले सारे ही करेक्ट है। ठीक है मैम, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।